मैंने आपसे कई बार कहा है कि देश को अराजकता की तरफ ले जाने की बड़ी कोशिश है, और वो इसलिए कि अराजकता का ही रास्ता सत्ता का रास्ता बन सकता है। मुसलसल राम मंदिर के मुद्दे को खूनी रंग देने की कोशिश करना, देश को अराजकता की तरफ ले जाना, जबकि देश खुद आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और ऐसा आर्थिक संकट जिसके बारे में पूरी दुनिया परेशान है, हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री परेशान है कि आखिर कल के हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा। आज जब हमने टीवी पर संत महाराज के का सम्मेलन का निर्णय सुना, तो उन्होंने कहा है कि अब संघर्ष नहीं संग्राम होगा। तो सवाल ये उठता है कि ये संग्राम किसके साथ होगा। मुसलमानों ने तो 6 दिसंबर 1992 को भी संग्राम की शुरुआत नहीं की थी। आपने एक तरफा मस्जिद गिराई थी, कहीं भी मुसलमानों से आपका क्लैश नहीं हुआ, क्योंकि आप ताकत में हैं, आप बहुमत में हैं, आप बहुसंख्यक हैं, इसलिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अदालत का फैसला आप मानेंगे नहीं, आरएसएस से एडवाइजरी जारी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि मंदिर के पक्ष में फैसला करें, तो एडवाइजरी से काम नहीं चला, आदेश जारी कर दें। एक महाभारत के हालात हैं, एक नए महाभारत के हालात हैं, लेकिन इसमें कौरव कौन होंगे और पांडव कौन होंगे ये मुसलमानों को तय नहीं करना है, ये स्वयं आरएसएस को तय करना है, राम मंदिर की चाहत रखने वालों को तय करना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि आखिर इस रास्ते का रोड़ा है कौन। इस रास्ते का रोड़ा अगर है तो आरएसएस है, भारतीय जनता पार्टी है, और कानून मानने वालों के लिए अदालत है। तो अगर कोई संग्राम होना है तो उसमें हमारा निवेदन यह है कि उस संग्राम में मुसलमानों का नाम हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि महाभारत में कौरव और पांडवों का फैसला कौन होंगे यह स्वयं देश के बहुसंख्यकों को तय करना है, अल्पसंख्यकों को तय नहीं करना है। अगर मेरे पास फैसला लेने का हक होता और राम की मूर्ति बनना ही होती, तो मैं चुनाव के इतने करीब ये फैसला नहीं करता। और अगर हिंदुस्तान में भी, जिस देश में बहुसंख्यकों के भगवान हो राम, और हम लोगों के लिए इंसानियत का प्रतीक हो, हमारी नज़र में उनका किस हद तक इज्जत और एहतराम है ये सब जानते हैं। इतना बड़ा बाबरी मस्जिद मूवमेंट चला, हम उसके कन्वीनर रहे, लेकिन एक शब्द भी राम और सीता जी की तौहीन में किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अब मोदी जी के और योगी जी के दौर में राम छोटे हों और रामजन ऊंचे हों तो विचार का बिंदु तो बनता है। चुनाव सामने है, ये गलती महंगी पड़ सकती है, राम को तो बड़ा ही होना चाहिए।